हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा पर एक बार फिर से पुलिस में टकराव होते होते टला, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस 3 वाहनों का पीछा करते करते हरियाणा की सीमा में दाखिल हो गई, जिस पर हरियाणा पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 8 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। उसके बाद भारी संख्या में उत्तर प्रदेश की पुलिस सीमा पर पहुंची। वहीं हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बाद में हरियाणा पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारियों को उनके अधिकारियों के हवाले कर दिया। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने बताया कि हमारी सीमा में उत्तर प्रदेश पुलिस आई थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि यह गलतफहमी में हुआ है, जो कर्मचारी उत्तर प्रदेश के हरियाणा सीमा में घुसे थे वह 2 दिन पहले ही तैनात किए गए थे। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि यह सीमा विवाद हो सकता है। उन्होंने इस संबंध में सहारनपुर के पुलिस अधीक्षक एवं उपायुक्त से बात की है। उन्होंने कहा कि जरूरी हुआ तो दोनों राज्यों के अधिकारियों की मौजूदगी में दोबारा से सीमाबंदी करवाई जाएगी। देखिए, बेलगढ़ हमारा क्रशर जोन है। यहाँ तो क्रशर जो ओनर्स हैं उनकी तरफ से शिकायत आई थी कि आज हरियाणा के क्षेत्र में उनके तैयार माल की 2 गाड़ियों को यूपी पुलिस ने रोका है हरियाणा की सीमा के अंदर आकर। तो उसमें हमारे पुलिस के अधिकारी मौके पर आए और ये जानने की कोशिश की गई कि किस हालात में ये लोग हरियाणा की सीमा के अंदर इन्होंने प्रवेश किया है। तो इसमें हम शिकायत ले रहे हैं इनसे और इसमें जो भी इसमें जांच की जाएगी, जिससे जैसे जो भी फैक्ट सामने आएगा उसके अकॉर्डिंग आगे एक्शन लिया जाएगा। सर, मुलाजिमों पे कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अभी जो भी शिकायत ये लोग देंगे उसके हम जांच करेंगे पहले। ऐसा बताया जा रहा है कि पीएसए के जवानों को हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनसे पूछा जरूर गया है कि आप किस हालात में, किस सरकमस्टेंसेस में यहाँ पे आए हैं। यूपी की तरफ से भी उनका जो एसएचओ हैं उनके थाना क्षेत्र के, उनके एसडीएम भी आए हुए हैं। तो ये बात भी सामने आई है कि कुछ ज्यूरिस्डिक्शन का सीमा विवाद भी है। जो पैमाइश है वो मुझे लगता है कि दोबारा से एक बार पुनः किए जाने की ज़रूरत है। तो उसमें भी मैं, जो हमारे डिस साहब हैं यमुनानगर के और उधर से जो सहारनपुर ज़िले के डिस साहब हैं, हम आपस में बात करके कोशिश करेंगे कि विवाद हमेशा के लिए खत्म। हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच तनातनी का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी दोनों प्रदेशों की पुलिस आमने सामने हो चुकी है। अब देखना यह बाकी है कि अब दोनों प्रदेशों में इस मामले को लेकर क्या निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरटी भारत।